नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन भारत राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन में पहली खबर देख रहे हैं आप धौलपुर से। जी हाँ, जहाँ शिव मंदिरों पर श्रावण मास के पहले दिन से ही सोमवार को पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो है उनका जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं के द्वारा दूध दही शहद निर्मित पंचामृत एवं बेलपत्र धतूरा अर्क आदि अर्पित कर भोलेनाथ को रिझाने का प्रयत्न किया गया है। वहीं सुबह से ही चौपिन महादेव, अचलेश्वर महादेव, पंचमुखी महादेव सहित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ जल एवं गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है। विश्व अवसर पर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सावन से पहले सोमवार को बजरंग दल कार्यकर्ता डाक कावड़ लेकर अचलेश्वर महादेव पहुंचे हैं, जहां शोरो जी से लाए डाक कावड़ के गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया गया है। सहसंयोजक राम शर्मा ने बताया कि डाक कावड़ यात्रा का उद्देश्य गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना है, जिसके जरिए बजरंग दल के 30 कार्यकर्ताओं ने 200 किलोमीटर का सफर लगातार दौड़ते हुए 10 घंटे में पूरा कर भगवान शिव को जल अर्पित किया है। धौलपुर से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। खबर रायसिंह नगर से देख रहे हैं, जहां पे आपको बता दें प्रदेश में बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं रायसिंह नगर पालिका के वार्ड 7 के पार्षद चरणजीत सिंह गगन ने पालिका विभाग पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बताया कि लगातार पालिका विभाग से मेरे वार्ड और पीएस नहर के साथ साथ पौधे लगाने के लिए कई बार पालिका विभाग को अवगत कराया गया है। अवगत कराने के बाद भी पालिका ने पौधे देने से मना कर दिया है, जिसके बाद वार्ड वासियों के जन सहयोग से अपने ही स्तर पर फलदार और छायादार पीएस नहर के साथ साथ पौधारोपण कर ट्री गार्ड लगाए गए हैं। वार्ड पार्षद द्वारा कहा है कि एक पौधा अपने परिवार के नाम से जरूर लगाए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में अगली खबर देख रहे हैं आप उदयपुर से, जहां आपको बता दें उदयपुर शहर में बलीचा दक्षिण विस्तार योजना में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से छुरी लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस टीम को सूचना मिली है कि दक्षिण विस्तार योजना में एक बदमाश हाथ में छुरी लेकर घूम रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने जाकर देखा तो एक लड़का हाथ में छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा रहा था, जो पुलिस टीम को देखकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसको पकड़ लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने एक धारदार छुरी भी जब्त की है। आपको बता दें, थाना अधिकारी भवानी सिंह रजावत ने बताया है कि गिरफ्तार राजेश मीणा चोरी और लूट का आदतन अपराधी है। उदयपुर से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं गुलाबी नगरी जयपुर से। जी हां, राजधानी जयपुर से खबर देख रहे हैं आप, जहां साहू तेली युवा विकास संस्था की कार्यकारिणी का प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर श्री श्याम भजन संध्या और प्रतिभोज का आयोजन साहू सेवा सदन जनता कॉलोनी में रखा गया है। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। युवा विकास संस्था के अध्यक्ष अनिल साहू ने बताया है कि संस्थान का एक वर्ष पूरा हुआ है, जिसके अंदर कई प्रकार के आयोजन किए गए हैं। समाज में कुरीतियां मिटाने का प्रयास किया गया है। जयपुर से विजय साहू की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं आप चोटा भीम से, जहां जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में पोपा बाई का रास चल रहा है। जी हां, भीषण गर्मी में उपभोक्ता के लिए बिल्डिंग काउंटर के ऊपर पंखे नहीं लगे हुए हैं, जबकि अधिकारी और कर्मचारी मस्त कूलर पंखे की हवा में बैठे रहते हैं। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय की पिछले 30 साल से मरम्मत तक नहीं हुई है, ना पुताई, ना रंगाई, ना कुछ हुआ है। कहीं छज्जे टूटे पड़े हैं तो कहीं जालियां टूटी पड़ी हैं। जलदाय विभाग के बड़े उच्च अधिकारियों का इस बिल्डिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। चोड़ा भीम से महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर देख रहे हैं आप, जहां पुलिस लाइन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 101 पौधे लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया गया है। पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास ने सभी पुलिस कर्मियों और आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने और वृहद स्तर पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया है। कहा है कि वृक्ष मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। पेड़ मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं और जल धाराओं को पुनः भरते हैं, जिससे जल का संरक्षण भी होता है। अभियान में पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे और पौधारोपण भी उन्होंने किया है। उदयपुर से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट।
करौली से खबर देख रहे हैं आप, जहां कार और टेम्पो के बीच में भीषण हादसा हो गया है। सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और चार जो अन्य लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। ये हादसा देर रात कैला देवी मार्ग स्थित गतका की चौकी के पास हुआ है। सभी घायलों को उपचार के लिए करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। करौली हॉस्पिटल पुलिस चौकी प्रभारी ब्रजराज शर्मा ने बताया है कि गंभीर रूप से घायल एक महिला को जयपुर रेफर किया गया है। करौली कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। करौली से नवी शर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे जहाजपुर से, जहां आम जन को आंख संबंधी समस्याओं का इलाज कराने के लिए क्षेत्र के प्राइवेट और बाहर के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। जी हां, विधायक गोपी चंद मीणा ने सरकारी अस्पताल में नयन सुख कार्यक्रम के तहत चश्मे वितरित किए तथा आंखों की जांच करने की मशीन का लोकार्पण भी किया है। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिलीप मीणा ने बताया है कि मशीन द्वारा आंखों के चश्मे के नंबर, आंखों में जमा कचरा, आंखों के संक्रमण रोग, आंख के पर्दे, काले पानी सहित अन्य जांचें की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर विष्णु दयाल मीणा ने सभी चिकित्सक अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जन की सहायता के लिए तत्पर रहने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए भी कहा है। काम नहीं करने वाले या निर्देश की पालन नहीं करने वालों को चार्जशीट और एपीओ करने की चेतावनी भी दी है। जहाजपुर से आजाद नेप की रिपोर्ट। खबर नौहर से देख रहे हैं आप, जहां चोपरिया गांव में सावन के पहले सोमवार पर सुबह 4 बजे शिव मंदिर परिसर में बम भोले के जयकारों से गूंज उठा है मंदिर। इस बार सावन का पहला महीना सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही समाप्त होने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत खास है। ऐसे में भक्तों ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल, दूध और दही अर्पित किया है। इस दौरान स्कूल के बच्चे भी पीछे नहीं रहे, विद्यालय जाने को तैयार विद्यार्थी भी शिवालय में पहुंचे हैं और भोले बाबा की पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगी है। शिव मंदिर में पुजारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि अब की बार भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। वहीं मंदिर को भी धूमधाम से सजाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के जन सहयोग से मंदिर के रंग रोगन किया है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिरों में आने जाने वाले असामाजिक और मंचलों पर पैनी नजर भी बनाई गई है। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। सावन के महीने को देखते हुए पूरी पूरी भीड़ रह रही है, क्योंकि रोक लगाने के भी टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम के सहयोग से हो रहा है, रथ का सहयोग मिल रहा है गाँव का। भीड़ रह रही है, बहुत अच्छी भीड़ है। सावन का महीने को देखते हुए सुबह 4 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक भीड़ हो रही है। खूब सहयोग मिल रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है, रंग रोगन हो रहा है, बाकी हर तरह का सहयोग आ रहा है। खबर जहाजपुर से देख रहे हैं आप, जहां विधायक गोपीचंद मीणा ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं को फीता काटकर उसका उद्घाटन किया है। प्रिंसिपल डॉक्टर भवनलाल खटीक ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा सत्र 2024-25 से ही स्कूल में प्राइमरी कक्षाओं को चालू करने के आदेश जारी हुए थे, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में 40-40 सीट के लिए 5 जुलाई से 12 जुलाई तक प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए गए थे। वरीयता के आधार पर 16 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी कर प्रवेश दिए गए हैं। इसी मौके पर विधायक गोपीचंद मीणा ने इस मौके पर बच्चों को मिठाई खिलाई है। इस अवसर पर सीबीईओ ओम प्रकाश खटीक, एसीबीईओ पुष्कर राज मीणा, वेद प्रकाश खटीक, कंबल बांगर, दुर्गालाल माली, महेंद्र सोयल, विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के सदस्य, विद्यालय स्टाफ, भामा शाह एवं अभिभावकगण मौजूद रहे। जहाजपुर से आजाद नेप की रिपोर्ट। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।